अच्छा भाई, अब बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर हम एमएससी एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, चाहे वो आईआईटी जैम है, चाहे वो सीयूईटी है, चाहे वो एमडीयूसीई है या किसी और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसके बाद स्कोप क्या क्या है? भाई हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा एम तो ये होता है, उनको फायदा क्या हुआ इस चीज से? तुम थोड़ा स्कोप की बात कर लेते भाई। भाई स्कोप तो यही है, पहली बात तो आपको एमएससी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? इसका सबसे बड़ा स्कोप यही है कि आपने एमएससी में एडमिशन सिक्योर कर लिया। और मैं आपको बताऊं, अगर बच्चे ने बीएससी कर रखी है तो उसको एमएससी जरूर करनी चाहिए भाई। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर आपने एमएससी कर ली तो एमएससी के दौरान ही आप अप्लाई कर सकते हो दो एग्जाम्स के लिए। बताओ कौन कौन से? एक तो होता है सीएसआईआर, बताओ बेटा, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, समझ गए बात? और दूसरा होता है बेटा आईआईटी गेट। क्या? आईआईटी गेट। ये दो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो एमएससी के, एमएससी में एडमिशन लेने के बाद आपको। फिर तो इनके जो स्कोप होंगे ना, वो इसके बेस पे नहीं आएंगे, वो इनके बेस पे स्कोप आएंगे। लेकिन इनको पास करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ये वाला। अब इनके क्या क्या स्कोप है? अगर आपने नेट जेआरएफ पास कर दिया तो आप पूरे इंडिया के अंदर लाइफ टाइम तक बीएससी से लेके, बीएससी फर्स्ट ईयर से लेके एमएससी फाइनल तक पढ़ाने के एलिजिबल होगी। अगर आपने एमएससी करने के दौरान या एमएससी करने के बाद आपने बेटा ये एग्जाम पास कर दिया ना, तो आप पूरे इंडिया में लाइफ टाइम के लिए आप एलिजिबल हो कि आप बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, टीचर प्रोफेसर के लिए, और एमएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एमएससी के भी आप, यानी खुद आपने एमएससी कर रखी है और आप एमएससी को पढ़ाने क्या होगे एलिजिबल, समझ गए बात? आपको पीएचडी, पीएचडी सप्लीमेंट्री होती है, नेसेसरी नहीं होती। अगर एक बच्चा भाई मान लिया किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकल रही है प्रोफेसर की, एक तो आता है सिर्फ एमएससी और नेट, एक आता है एमएससी प्लस नेट प्लस पीएचडी, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? पीएचडी वाले को। लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं बोल रहा कि भाई ये अप्लाई नहीं कर सकता, अप्लाई कर सकता ही। बात आपको पहले पड़ गई? ठीक है, आप स्कूल के कॉलेज कैडर जो होते हैं आपके, जो भाई जो एचपीएससी की पोस्ट आती है, समझे बात? हरियाणा में जो बीएससी के जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, उनमें, और एमएससी के जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आप सीधे अप्लाई कर सकते हो, आपका इंटरव्यू होगा। बात आपको पहले पड़ गई? तो टीचिंग के लिए फायदा हो गया। दूसरा भाई और बताओ, और इसका क्या फायदा है? और आप इससे बेटा पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। किसमें? पीएचडी में। और अगर आप में इसमें आपका सर जेआरएफ हो गया ना, एमएससी के बाद आपका जेआरएफ हो गया, तो पीएचडी में आपको फेलोशिप मिलेगी। यानी पीएचडी करने के दौरान आपको गवर्नमेंट 5 साल तक 30-35, अब तो मेरे ख्याल से 35,000 रुपये और रखिए, 35-40 हज़ार रुपये आपको पर मंथ मिलते। मैं जब पीएचडी में था तो मुझे मिलते थे 33,000 पर मंथ, तो अब तो ये फेलोशिप क्या रखी है, बढ़ रखी है। बात आपको पहले पड़ी? तो पढ़ने के पैसे मिलते हैं, ऊपर से आपके पास बीएससी एमएससी को पढ़ाने की एलिजिबिलिटी आती है, तो सबसे बेस्ट है लड़कियों के लिए, सबसे बेस्ट है भाई टीचिंग का फील्ड प्रोफेशन। हाँ बेटा, गलत कह रहा हूं मैं? अच्छा, आपको आईआईटी गेट का, और इसका और फायदा क्या है? रिसर्च में भाई, और इंडस्ट्रीज में, आपको कंपनीज में जाना है, एमएससी प्लस दिस प्रायोरिटी मिलेगी, एमएससी प्लस दिस। रिसर्च में तो भाई आप पीएचडी में जा रहे हो, तो रिसर्च में तो आप एंट्री कर ही गए, ठीक है। दूसरा क्या है? आईआईटी गेट। इसके ही बहुत स्कोप है, आपको होगी। इसके स्कोप क्या है आईआईटी गेट के? भाई आईआईटी गेट के स्कोप ये हैं कि इसको आपने पास कर लिया ना, जैसे आपने आईआईटी जेई पास किया है, आईआईटी जेई, तो बेटा आपको बीटेक में एडमिशन मिलता है आईआईटीज में। लेकिन अगर आपने आईआईटी गेट पास कर लिया ना, तो आपको आईआईटीज में सीधे एमटेक में एडमिशन मिलेगा। किसमें? यानी अगर किसी को कंपनीज में जाना हो तो आईआईटी गेट पास करके सीधे कहां जाए एंट्री कर सकता है, आईआईटी से सीधे एमटेक कर सकता है। अगर आप 12वीं के बाद जेईई सिक्योर नहीं कर पाए और आप बीटेक में दाखिला नहीं ले पाए, तो आपका आईआईटी में जाने का सपना जो भाई वो यहां से पूरा हो सकता है आईआईटी गेट के थ्रू, और इसकी वैल्यू होगी बहुत, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं, आईआईटी में पीएचडी भी होती है, तो आईआईटी में आपको पीएचडी करनी हो ना, तो आपको एमएससी प्लस दिस चाहिए, एमएससी प्लस नेक्स्ट जेआरएफ के बेस पे
आप आईआईटीज में पीएचडी में दाखिला ले सकते हो। सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज नहीं, आईआईटीज भी इस एग्जाम को, यानी अगर आपने एमएससी कर ली प्लस ये कर लिया तो आपको आईआईटीज में पीएचडी का एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, आपका सिद्ध क्या होगा इंटरव्यू, ठीक है। आईआईटीज आईआईटी गेट के बेस पे एमटेक में दाखिले लेती हैं, लेकिन कुछ दाखिले वो पीएचडी में भी ले लेती हैं। लेकिन अगर एक बच्चा तो आ रहा है आईआईटी गेट पास करके और एक बच्चा आ रहा है नेट जेआरएफ पास करके, तो पीएचडी में दाखिले के लिए प्रायोरिटी किसको मिलती है? नेट जेआरएफ वाले को, गेट वाले को नहीं। इसकी प्रायोरिटी कहां रहती है? पीएचडी में दाखिले के लिए। इसकी प्रायोरिटी कहां रहती है? एमटेक में दाखिले के लिए। आ गया आपको? तो स्कोप स्कोप इसके तो ठीक है बात। और आप खुद सोचो भाई, आपने बीएससी कर लिया, आपने एमएससी कर ली है, मास्टर्स आपके पास होगी, तो आप पीएचडी आप करोगे भाई, आप डॉक्टर बन जाओगे, पीएचडी करने के दौरान आपको पैसे मिलेंगे, पीएचडी आप इनके बेसिस पे कहीं से भी कर सकते हो, इंडियन यूनिवर्सिटीज से भी, समझे बात, इंडियन स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से भी या फिर आईआईटी से भी। तो आईआईटी में एंट्री का मेरे भाई काफी सारे स्टूडेंट्स आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, कोई तो गया है आईआईटी गेट पास करके और कोई गया है नेट जेआरएफ पास करके। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स भाई डीयू से पीएचडी कर रहे हैं, वो एमएससी प्लस ये पास करके गए हैं। बात आपको पहले पड़ गई, उनसे कोई नहीं पूछता अपने एमएससी कहां से कर रखी है, वो कहते हैं एमएससी कर रखी है, सर्टिफिकेट दिखाओ नेट जेआरएफ का, बोले ये रहा सर, बोला आ जा भाई, समझे बात, इनकी वैल्यू है। तो स्कोप है कि नहीं इनके? हाँ बेटा बताओ।